हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वो भाई साहब खड़े हुए हैं। जी जी, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ सर, ये कहना चाहता हूँ मैं। क्या? कोई अपनी बुराई नहीं बताता है। हाँ। देख लेते हैं। हाँ। साइड में कोई लेके जाता है, देख लेते हैं, अपने में बैठा रहते हैं, उसको नहीं देखते। ठीक है, अच्छी बात है, वो भी एक एंटरटेनमेंट का साधन है। अच्छा, कभी आप सब में ऐसे सवाल है, जैसे हम लोग न्यूज में सुनते हैं कि एक बार कटरीना सलमान बैठ के ऑटो में चले गए, ऐसे कभी घर से निकले और ट्रैफिक था। आपके साथ कभी ऐसा हुआ, किसी के साथ कोई सेलिब्रिटी आके आपके से बैठ गया हो? हैं, आपके साथ हुआ है? जी माइक। मेरा नाम तो नहीं लेगा। अजय नाम है मेरा। अच्छा जी, मैं बिहार से हूँ। अच्छा जी, पेट क्यों, क्या हो रहा है? अरे मुझे लगा, कह रहा था मैं बिहार से और मैं पेट से भी हूँ। तो अजय, आपके कौन कौन सेलिब्रिटी बैठा? मैं वर्सावा में, वो कौन सा हरी रोड है। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे मैंने एक घंटा खड़ा रहा, मुझे कोई पैसेंजर मिला नहीं। अच्छा जी। तो फिर मैंने वहाँ से रिक्शा निकाला, मैं सोचा आगे जाता हूँ, आगे कोई मिल जाए। अच्छा जी। तो जैसे आगे आया ना, तो एक बिल्डिंग से अंदर आ रहे थे सर, वो कोई मिलन में काम करते हैं। अच्छा, विलन थे कोई? हाँ, मैंने फोटो निकाला था उनके साथ, तो उन्होंने आवाज दिया, मैंने रोका, फिर बोले जो गोरेगांव फिल्म सिटी जाना। अच्छा जी। बोला ठीक है सर, बोले मालूम है क्या? मैं बोला हाँ मालूम है। फिर उधर से मैं उनको देखते हुए आ रहा हूँ, बार बार मैंने उनको कांच में देख रहा हूँ पीछे। अच्छा जी। मैंने गोरेगांव चेक नकाया, जब भी मैं उनको पूछा तो सर मैंने आपको कहीं देखा हूँ। फिर बोले ऐसा है क्या, देखे हो? मैं बोला हाँ सर। तो मैंने उनको बोला सर मैं आपके साथ एक फोटो खींच सकता हूँ? बोला हाँ खींच लो। फिर साथ में जो है उन्होंने फोटो निकाला, फिर थैंक यू बोला, सर पैसा दिए, फिर मैं उधर से आ गया। कौन थे वो? नाम नाम नहीं आ गए, मैंने फोटो निकाला। लेकिन कपिल, जब तुमने फोटो तो खींची ना उनके साथ, तो बाद में फोटो दिखाई होगी, किसी ने तो पहचाना होगा ये कौन है। मैंने ऐसे फोटो दिखाया, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना। नहीं, रूम पे जो है फोटो दिखाया तो सबने पहचाना, लेकिन नाम किसी को पता ही नहीं। ये सही है। ये सही था। हाँ, कितना फेमस होगा वो आदमी। मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाता हूँ, ऑटो के पीछे ना, आपने देखा ऑटो रिक्शा के पीछे बड़ी मस्त शायरी रहती है। हाँ, हाँ। बड़ी सारी चीजें रहती है, मैं दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, दिखाइए जरा। ये जो लिखा हुआ है, घूम फिर के बाद वही आ गई है, नो स्मोकिंग नो किसिंग। स्मोकिंग का तो समझ में आता है कि अब होनी भी नहीं चाहिए हर जगह। नो किसिंग लिख के किसी ने, कोई बहुत तंग होगा शायद। और भी आगे आगे दिखाइए। गूंगे बादशाह बुलबुल का बच्चा, जय भोलेनाथ की चिंता किस बात की। वाह वाह, ये तो बड़ा मजेदार अच्छी चीज है। और दिखाइए। टू फास्ट टू फ्यूर्स, वाह फ्यूरियस का स्पेलिंग है, टू फास्ट टू फ्यूरियस। अच्छा, फ्यूरियस लिखा है अपनी तरफ से, अपनी तरफ से। ओके ओके, और भी है हमारे पास। बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर भैया कहना मना है। ये बहुत अच्छा, ये सबसे हाईलाइट वाला था, ये जीत गया भाई, इसको फर्स्ट प्राइज बॉयफ्रेंड के साथ। क्या बात है, ये जिन भी भाई साहब का ऑटो है, कमाल की इनोवेटिव सोच है आपकी। सो स्वीट यार, हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है आपका, और खुश रहिए आप हमेशा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।